बिहारी बोटी या बिहारी कबाब, दोनों ही बहुत लजीज बनते हैं और इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपने गोश्त को पतले पतले पार्चों में यानी पसंदों की शक्ल में काटना, उसके बाद इसको पपीता लगाना है। पपीता इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी टाइम के लिए लगाना चाहिए। तकरीबन ओवरनाइट आप पपीता लगा कर रखेंगे तो आपका गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल जाएगा। एक दो घंटे में गोश्त इतना ज़्यादा नहीं गलता जितना कि पूरी रात लगाने में गलता है, इसलिए आप पपीते को जो है वो छिलके के साथ पीसिए और उसको जो है वो पूरे ओवरनाइट लगा कर रखिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने मसालों के साथ साथ इसमें सरसों का ऑयल भी डालना है। सरसों का ऑयल इतना डालिए कि अच्छी तरह से बूटियाँ जो हैं वो आपके पसंदे जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और कहते हैं कुछ इसमें जो है वो तेल जो है ऊपर भी नज़र आने लगे। तो आइए इस कहते हैं बहुत आसान सी तरकीब को, बहुत मज़ेदार सी तरकीब को बनाना सीखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कौसर का जामे खुश आमदीद और वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ और उन्हें बताइए ये कौसर का जहां में कितनी नई अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस कहते हैं आपको मिलेंगी। आज मैं आपके लिए बिहारी बूटी का कहते हैं रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने कहते हैं 250 ग्राम यानी एक पाव मैंने कहते हैं पसंदे लेकर जो है वो इसमें पपीता रात को लगा दिया था और अब इसमें बाकी मसाले मिलाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन का पाउडर लगाया है और ये जिंजर पाउडर है। उसके बाद जो है थोड़ी सी कहते हैं हम इसमें चाट मसाला डालते हैं, ये ऑप्शनल है आपकी मर्जी ये डालें नहीं डालें। उसके बाद थोड़ी सी क्या आते हैं रेड चिली पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये पीपल डालेंगे। इससे बहुत अच्छे से क्या आते मज़ा आता है। इसमें सीख कबाबों में भी डलती है ये पीपल, और इसमें ये बिल्कुल शहतूत की तरह का होता है। इसको पीस लेते हैं, इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं तो फिर ये इस तरह हो जाता है। अब इसमें नमक डालते हैं हम, ये देखिए 1/2 टीस्पून इसमें हमने नमक डाला है। अब इन तमाम को मिक्स करते हैं। ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे तकरीबन 1/4 कप, और इन तमाम को भी मिक्स करते हैं। ये फिर इसी में पकाना है, हमने सरसों के तेल में ही पकाना है, हमने मज़ीद और ऑयल नहीं डालना है इसके अंदर। चलिए अब इसको रखते हैं हम थोड़ी देर ढककर, फिर इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारी बिहारी बोटी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसमें हम कोयला रखते हैं, इसमें हमने ऑयल डाला है थोड़ा सा और अब इसको हम ढकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारी जो है बिहारी बोटी जो है वो तैयार हो गई है, लजीज मज़ेदार। ये रोटियां हैं हमारे पास और ये हमारे पास थोड़ी सी प्याज है। आप इसके साथ मज़ीद सलाद भी रख सकते हैं, चटनी भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। मैं तो इस वक्त यही खाऊंगी, बस यही मैंने रखा हुआ है और ये मेरी बिहारी बोटी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाए कीजिए। इजाज़त दीजिए फिर कौसर को कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
भी प्यारी बेटी बूटी से कहते हैं लुत्फ उठाइए, इंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।